हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हाईवे क्लासेस पर। आज हम ये ट्रिग्नोमेट्री का कल जो मैंने पार्ट दिया था आपको, बेसिक जिसमें फॉर्मूले वगैरह थे, बेसिक थ्योरी थी, उससे रिलेटेड मुझे बच्चों ने भी कहा और मुझे खुद से याद था कि इससे रिलेटेड मुझे कुछ क्वेश्चन कराने हैं आपके रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम होने जा रहा है कल से, तो उस पे ये हो सकता है कहीं ना कहीं एक या दो क्वेश्चन बन जाए, या पढ़ना तो पड़ता ही ना, कहीं से भी क्वेश्चन उठ सकता है। तो आइए हम लोग अपने सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है cot 30 का मान। यहाँ पर हमको cot बनाना है, cot 30। cot 30 का मान वही होगा जो tan 60 का होगा। जैसे sin cos में रिलेशन है, वैसे ही tan cot में रिलेशन है, ये मान याद करने के लिए। तो tan की वैल्यू बात करें, tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 और cot 45 दोनों के मान 1 होते हैं, और tan 60 का मान होता है √3, और यही cot 30 का मान हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा √3। ध्यान रखें बच्चों, इसका मान होगा √3। चलिए, sin थीटा बराबर दिया गया आपको 8/10, पूछ रहे हैं tan थीटा क्या होगा। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को हमको लगाना है ट्राइंगल से। कैसे, देखिए ये ट्रायंगल हो गया। कौन सा ट्रायंगल है? यह राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें लंब ये कर्ण ये होता है, लंब ये और आधार ये। देखो, साइन थीटा बराबर दिया गया आपको 8/10। अब देखो, कल हमने आपको बताया था लाल बटे कक्का। भाई लाल बटे कक्का ये लंब बटे कर्ण, ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा। लंब बटे कर्ण साइन थीटा हो जाएगा। तो ये आपको लंब को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कर्ण को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लंब हो गया आपका 8 और कर्ण हो गया आपका 10। देखो, यहाँ 8, यहाँ 10, बोलो यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ ये वाली वैल्यू आ जाएगी 6। और ये चीजें हम कल जान चुके हैं, ये वही बात है 4 5 3। देखो, 4 × 8, 5 × 10, 3 × 6। इसको पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाला जा सकता है, बट हम लोग कल जो है क्या सीख चुके थे? ट्रिपलेट सीख चुके थे, जो ट्रिपलेट था 3 4 5 का। हमने कहा था इसका मल्टीपल भी यूज हो सकता है, तो वो चीज हमने कल आपको बता रखी है। तो ये मान आ गया आपका 6, ये कहलाता क्या है? आधार। तो हमसे पूछा क्या गया? टेन थीटा। टेन थीटा आपको बताना है, तो ये हो गया ये वाला पोर्शन साइन थीटा, ये कॉस थीटा और ये टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? 8, आधार कितना है? 6। तो टेन थीटा का मान हो गया, टेन थीटा का मान हो गया आपका 8/6। ओके, लंब बटे आधार, इतनी बात आपको क्लियर होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तर्क पर लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात अगर हम करें, तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है टेन ए बराबर 8/15। तो देखो, टेन ए मतलब होता है लंब बटे आधार। भाई यहाँ पर ए बी सी हमने कहा था कुछ भी आ सकता है, थीटा आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये टेन थीटा बराबर लगेगा क्या? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो ये 8 जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लंब को। तो ये हो गया 8 लंब, और ये 15 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आधार को। तो इसमें आधार कितना होता है? 15। कल हमने आपको एक ट्रिपलेट बताया था 8 15 और 17। यहाँ पर कितना आता है? 17। पाइथागोरस प्रमेय लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको चार ही मान ऐसे थे जो आपको याद कर लेने थे। एक 3 4 5 का था, 5 12 13 का था, और आपका एक था 7 24 25 का था, और एक लास्ट था हमने लिखा था 8 15 17 का, इसमें बड़ी वाली भुजा कर्ण होती है। ओके, इतनी बात क्लियर है। अब हम लोगों से जो पूछा जा रहा है उसका मान देखिए, कॉसेक ए। अब देखिए, कॉसेक पूछा गया ऊपर से साइन कॉस टेन, साइन का अपोजिट कॉसेक। तो हमसे पूछा भी क्या गया? कॉसेक। तो कॉसेक मान इधर से बताएगी कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है? 17। लंब कितना है? 8। तो इसका मान हो गया 17/8। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखना, कह रहे हैं कॉसेक ए। तो कॉसेक ए देखिए, यहां पर √10 और बाई हम लोग 1 एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि सभी के बटे में क्या होता है? 1 होता है। तो कॉसेक यानी कर्ण बटे लंब। कॉसेक का मान क्या होता है? कॉसेक के बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब, यानी कि ये क्या है? कर्ण है, ये कर्ण है, और ये 1 क्या है? 1 हमारा क्या है? ये लंब हो जाएगा। अब ये वाला मान चाहिए, इसीलिए हमने आपको पाइथागोरस प्रमेय भी सिखा दी थी। कभी कभार आप ऐसी वैल्यू आ जाए तो आप क्या करें? तो सोचना चाहते हैं तो आप सोच सकते हैं कि 3 3 9 और यहाँ 3 का वर्ग हुआ होगा 3 और 1 10, तो भी इसीलिए अंडर रूट
या तो तीन हमने सोच लिया, लेकिन आप कैसे सोचेंगे वो जानिए। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या थी, कर्ण का स्क्वायर तो अंडर रूट 10 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर 1, आधार हमको निकालना है, आधार हम मान लेते हैं x, यानी कि x का स्क्वायर अंडर रूट 10 का वर्ग कितना होता है भाई 10, बराबर का 1 इधर आएगा तो माइनस का बराबर x स्क्वायर, 10 में से 1 गया 9, 9 बराबर x स्क्वायर, 9 बराबर x स्क्वायर तो x बराबर 3, तो यहां x की वैल्यू कितनी आ गई 3। आप ऐसे सोच सकते हैं 3 का वर्ग 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तभी तो 10 होगा, 10 का तो वर्ग निकलता नहीं रूट, तो वो इसीलिए रहा। तो यहां पर आधार कितना आ गया 3, मान किसका पूछा गया sec a का। देखो ये sin, ये cos, ये tan नीचे से पढ़ते हैं, cos sec, sec बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है अंडर रूट 10, आधार कितना है 3, तो ये रही आपकी वैल्यू अंडर रूट 10/3। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था। चलो ये आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है sin थीटा बराबर a / b देन cos थीटा बराबर बताना है। अब देखो sin थीटा बराबर पहले तो हम जाने होता क्या है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी कि ये a क्या है लंब है और b क्या है कर्ण है, तो हमको आधार निकालना पड़ेगा। अब आधार निकालने के लिए इसीलिए मैंने पाइथागोरस प्रमेय भी सिखा दी, तो वो क्या होती कर्ण का स्क्वायर / b का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब दिया गया a स्क्वायर प्लस आधार तो पता नहीं है हमने x मान लिया तो प्लस x का स्क्वायर, हमको x की वैल्यू चाहिए तो b स्क्वायर इधर माइनस का आ गया तो a स्क्वायर बराबर x स्क्वायर, तो हमको तो चाहिए x बराबर, तो x यहां से हटेगा तो इस पे क्या लग जाएगा अंडर रूट, तो इसका मान क्या आ गया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये आपका आधार आ गया। तो पूछा क्या गया cos थीटा, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और कर्ण कितना है बटे b, यही आपका आंसर रहा। तो इन टाइप के क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे, बड़े बेसिक से क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं ग्रुप डी का एग्जाम आप देने भी जा रहे हैं तो हो सकता है कहीं से एक क्वेश्चन उठ जाए, चीजें आपकी रिवाइज कराने का मेरा तात्पर्य था, तो देखते रहिए ऐसे क्वेश्चनों को। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, और ये 5 क्वेश्चन है अलग अलग टाइप के हैं तो इनको भी हम लोग सीख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 7 tan theta equal to 4, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 4/7, भाई tan थीटा तो यही रहा, ये 7 ना 4 के अपान में आ सकता है, ओके इतनी बात। और sin थीटा बटे cos थीटा बराबर 4/7, इतनी बात हम आपको बता चुके हैं tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा, इतना हम लिख सकते हैं। देखो sin थीटा का मान हो गया 4, cos थीटा का मान हो गया 7, और यहीं पर हमको मान चाहिए थे और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमको चाहिए। देखो 7 तो यहां पर आ 7 इनटू में sin थीटा का वैल्यू कितना, sin थीटा 4 माइनस 3 cos थीटा, 3 cos थीटा का वैल्यू है 7 बटे में, केवल प्लस लगा वैल्यू सारी वैसी है, ओके इतना हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 7 चौक 28 और 7 3 21, 28 में से 21 गया बचा कितना 7 यानी कि 7, और 7 चौक 28 और 7 3 21, 28 और 21 49 होता है, तो 7 × 7 49 यानी कि इसका वैल्यू आ गया 1/7, समझ लेना दोस्तों बहुत इजी है और देखने में भले ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो लेकिन बहुत इजी है। 6 वैल्यू, 6 नंबर क्वेश्चन का वैल्यू आ गया 1/7, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। इन नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया cot थीटा इक्वल टू 1/√3, तो देखो चाहे तो हम यहां से ट्रायंगल बनाकर अपना आंसर निकाल सकते हैं, नहीं तो हमें थीटा की वैल्यू पता चल जाए और हम अपने आंसर बहुत ही इजीली बता सकते हैं। देखो cot थीटा का मान 1/√3 है, अब देखना cot थीटा 1/√3 किसका वैल्यू होता है cot में, cot में कितने डिग्री का होता है, cot में ये वैल्यू जो होता है ये वैल्यू होती है कितने की, cot 60 की, cot 60 डिग्री आपको मिलेगा 1/√3, tan 30 का मान होता है 1/√3 और यही cot 60 का मान हो जाता है, और जो cot 60 का मान वही tan 30 का मान, और tan जो 60 का मान है यानी कि tan जो 60 का मान है वही cot 30 का मान है, ये जस्ट अपोजिट चलते हैं, सही से आप ध्यान कर लेना। तो cot से cot कट गया, थीटा बराबर हम कह सकते हैं 60 डिग्री, इतना हम लोग ओरल ही कर सकते थे, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखो 1 इसका वैल्यू चाहिए हमको 1 माइनस
cos स्क्वायर थीटा। अब थीटा की जगह पर 60 रखोगे तो cos 60 का वैल्यू कितना, cos 60 का वैल्यू अगर आपको जानना है तो आप sin 30 का जाने, sin 30 का 1/4 1/2 और cos 60 का भी 1/2, तो 1/2 यहां पर स्क्वायर लगा है तो 1/2 का स्क्वायर करोगे तो बचेगा आपका 1/4, बटे में आपका लगा हुआ है 2 माइनस sin 60, sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, √3 का वर्ग करोगे 3 मिलेगा लेकिन 2 का वर्ग करोगे तो 4 मिल जाएगा आपको। तो देखो 4 एकम 4 में से क्या 3/4, यहां 4 दूनी 8 में से 3 गया 5/4, 4 से 4 कट गया आपको मिल गया 3/5, ये आपका आंसर रहा 3/5 आपका इस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप क्वेश्चन नोट डाउन करके हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैंने तो आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया गया है, आज से ही आपको व्हाट्सएप नंबर मिला है, जिन्हें नहीं मिला है तो वो लिख लें 9935001225, ओके 9935001225 ही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम हो क्वेश्चंस में तो आप पोस्ट कर सकते हैं, भले ही मेरे बताए हुए क्वेश्चन में अगर आपको किसी को कोई समस्या लगती है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो ये हमको ऐसे लिखे 1 + sin a 1 - sin a, तो देखो ये चार टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ये 9th और 10th और 12th में 11th में सब में है ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हम कंजुगेट्स लगाएंगे यानी कि संयुग्मी से गुणा करेंगे, संयुग्मी क्या होती है मैंने बता रखी कई बार, संयुग्मी देखो यहां पर जो साइन है केवल वो साइन चेंज होता है और पूरा का पूरा वैल्यू सेम रहता है, देखो 1 + sin a / 1 + जितने से ऊपर गुणा उतने से ही नीचे, देखो यहां पर केवल माइनस था वो प्लस हुआ, जितने से गुणा ऊपर करेंगे उतने से नीचे कोई वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता है, केवल माइनस की जगह प्लस, संयुग्मी ये कहती है। तो देखो एक ब्रैकेट में 1 प्लस a, एक ब्रैकेट में 1 प्लस a, तो ये हो गया 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर, लेकिन नीचे देखो a प्लस b a माइनस b, देखो फार्मूला काम आया कि नहीं आया, मैंने बीजगणित के जितने फार्मूले, आप बीजगणित का फार्मूला भाई तो सा सर्च कीजिए, मैंने बीजगणित के जो 7 फार्मूले थे बहुत ही इंपॉर्टेंट वो मैंने डिस्कस किए हैं, उनको तुम्हें लिखना, देखो यहां पर काम आ गया 1 माइनस a 1 प्लस a, तो होता है 1 माइनस sin स्क्वायर, तो a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a का स्क्वायर, तो a की माइनस b की जगह पर sin है तो sin a का स्क्वायर sin स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और साथ ही साथ लगा हुआ है आपका अंडर रूट। अब देखो 1 माइनस sin स्क्वायर है पहला वाला लेक्चर, और उसमें हमने आपको बताया कि 1 माइनस sin स्क्वायर a बराबर क्या होता है cos स्क्वायर a, या कह लीजिए sin 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, कैसे आया ये मैंने सारी चीज बताई, यानी कि इसको हम हटा के, इसको हटा के हम क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर a। अब देखिए 1 प्लस sin स्क्वायर का वर्गमूल आ जाएगा बहुत सिंपल, भाई दो घाते हैं एक रह जाएगी, और cos स्क्वायर a है तो ये केवल बचेगा cos a, ओके आप समझना। अब इसको हम लोग अलग-अलग लिखते हैं, अलग-अलग देखो कैसे, तो इसको जो हम लिखेंगे अब इसको ऐसे लिखेंगे 1 upon cos a plus sin a / cos a, इतनी बार समझ लीजिए 1 upon cos a, बस सिंपल रहा अभी भी उतना ही है, cos a एलसीएम में जाएगा 1 + sin a, जब हर समान हो तो सीधे ऊपर जोड़ भी सकते हैं 1 + sin a, तो cos a सिंपल हो गया, तो 1 upon cos a आया कि नहीं आया, पहले वाली थ्योरी का बात है 1 upon cos a होता है आपका sec a + sin a upon cos a, या कह लीजिए sin theta / cos theta, सिंपल बात, tan a थीटा होता तो tan थीटा हो जाता, लेकिन tan है a है तो ये हो जाएगा sec a + tan a, इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा sec a + tan a, ये प्रूफ करने को आता है यहां पर, अगर इतना है तो इसको LHS RHS प्रूफ करने को आता है हाई स्कूल इंटर में, लेकिन आपसे मान भी पूछ सकते हैं। बहुत इजी था ये जो मैंने स्टेप लिखे हैं, ये लिखने लायक नहीं है, ये सारी चीजें माइंड में ही हो जाती हैं, बस सिखाने की वजह से मैं लिख रहा हूं, ओके तो अब जब आप सीखे होंगे तो आई होप आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा, ओके फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें WhatsApp पे पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम देख लीजिए मैच करता है, बस cos की वैल्यू आ रही है यहां पर, चलिए आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं 1 + cos a / 1, फिर वही बात करनी है, संयुग्मी लगानी है, संयुग्मी तो आप समझ ही गए होंगे कि 1 + cos a और 1 - cos a, नहीं यहां पर भी प्लस रहेगा, तो देखो 1 + - का केवल प्लस होता है और सब एज इट इज रहेगा, जितने से गुणा ऊपर उतने से ही नीचे, तो ऊपर बना a + b का होल स्क्वायर, इसका मतलब 1 cos a का होल स्क्वायर अंडर रूट तो साथ में है ही, नीचे 1 - a और 1
a माइनस बी और a प्लस बी एक ब्रैकेट में है, a और b के काम कौन कर रहे हैं, a का काम कर रहा है एक और b का काम कर रहा है cos a, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos a का cos स्क्वायर a, ओके, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या रहता है, 1 ही रहता है, माइनस cos स्क्वायर a। अब देखिए यहां पर रूट हटेगा तो सीधा सा ऊपर 1 प्लस cos a हो जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे का ध्यान देना, अभी देखो 1 माइनस cos स्क्वायर a बराबर क्या होता है, sin स्क्वायर a, और 1 माइनस sin स्क्वायर a बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर a, तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर a, देखो sin स्क्वायर a, sin स्क्वायर a का वर्गमूल क्या होता है, sin a, तो 1 upon, अब इसको ऐसे लिखेंगे 1 upon sin a plus cos a बटे sin a, ये छोटी सी बात है, इसको हम लोग अलग तरीके से लिखते हैं, 1 upon sin a अपोजिट आ गया, sin a का अपोजिट क्या होता है, cos a के, तो 1 upon sin a होता है cos a के plus cos a बटे sin a, या कह लीजिए cos theta बटे sin theta, cot theta होता है, ये रहा आपका आंसर, ओके, आई होप आप समझ पाए होंगे। और मैं आपको घर के लिए एक सवाल दे रहा हूं, होमवर्क जो आप हमें WhatsApp पर पोस्ट करेंगे कि देखते हैं कि कितने बच्चों ने अच्छे से इसको लगाया है, सीखा है, इसका जो है आप ये वाला जो हम रेड कलर से लिख रहे हैं ये हमें आप आंसर देंगे 1 माइनस sin a बटे 1 प्लस sin a, एक इसको हमें आंसर चाहिए। अब इसका दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन 1 माइनस cos a बटे 1 प्लस cos a, बस मैंने साइन ऊपर के नीचे किए हैं, साइन चेंज किए हैं और सब एज इट इज है, बिल्कुल इसी तरीके से लगेगा, ये दोनों क्वेश्चन आप हमें देना है, ये और ये, इस दोनों के क्वेश्चन के आप हमें आंसर भेजेंगे, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि साइन स्क्वायर 38 है प्लस कॉस स्क्वायर 38, अब देखिए यहां पर कुछ भी आ सकता है लेकिन ये फॉर्म किसकी बना रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पर कुछ भी यूज हो सकता है, देखो दोनों ही चीजें जब समान होंगी तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू आपको हमने बताई थी कितनी होती है, 1 होती है, चाहे यहां पर 38 हो, 52 हो, 90 हो, कुछ भी हो, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू आपकी हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी, ओके okay? तो यहां पर इस सर्वसंख्या का ध्यान रखें, देखिए काफी तरीके से ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ये रेलवे में पूछे गए हैं, तो चलिए आइए कुछ हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी सीख लेते हैं यहां पर, आइए तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री में जो चार फॉर्मूले हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं और उनकी सहायता से आंसर बहुत स्पीड से आते हैं, तो आइए उन फॉर्मूले को सीख लेते हैं, चार फॉर्मूले कौन से हैं, तो ध्यान देना चार फॉर्मूलों पर कौन से चार फॉर्मूला है, एक तो हो गया साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का जब इसको हम लोग ओपन करेंगे तो ये बराबर में देता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ध्यान से पढ़ना है इसको बच्चों, ओके। दूसरा जो फॉर्मूला है वो दूसरा है साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए माइनस बी का कैसे, बस बिल्कुल सेम है तो प्लस की जगह पर माइनस आएगा, देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है बस प्लस की जगह पर माइनस आएगा, यहां पर ये ध्यान रखना है, सॉरी ओके यहां पर क्या ध्यान रखना है, साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस, देखो प्लस है तो प्लस ही आया है तो साइन ए कॉस बी, बहुत सिंपल है प्लस, लेकिन अब की बार साइन से स्टार्ट नहीं करना, कॉस ए साइन बी, सेम इसी प्रकार साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी माइनस, साइन से नहीं स्टार्ट होगा, कॉस ए साइन बी, एक और दो और फॉर्मूले हैं कॉस के हैं, एक है कॉस ए प्लस बी का, एक है कॉस ए माइनस बी का, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या कहता है, वो कहता है कॉस ए कॉस बी, बहुत सिंपल है कॉस ए कॉस बी, देखो यहां अगर प्लस होगा तो यहां माइनस आएगा, जब यहां माइनस होगा तब यहां प्लस आएगा, ये कॉस में ध्यान रखना है, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, बहुत ईजी है भाई, है कि नहीं, कॉस ए प्लस बी का क्या है, कॉस ए कॉस बी, लेकिन प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस साइन ए साइन बी, अब कॉस ए माइनस बी का तो आपको तो याद हो ही गया होगा, बहुत सिंपल है, क्या है कॉस ए कॉस बी, इतना तो लिखना है कॉस वाले में, लेकिन यहां माइनस है तो यहां प्लस आएगा, प्लस साइन ए साइन बी,
ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, हो सकता है कि ये फार्मूले ही आपसे पूछ लें और कुछ ना पूछें, तो भाई इनको ध्यान रखना। तो जो है इन्हीं की सहायता, इन्हीं फार्मूलों की सहायता से ये वाले 11 से 14 तक सवाल लगने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो देखो भाई, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, भाई यहाँ पर ए का काम कौन है, 60 कर रहा है, यहाँ पर भी ए का काम 60 कर रहा है, यहाँ बी का काम 30, यहाँ पर बी का काम 30, यानी देखो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। तो भाई ये फॉर्मूला किसका हुआ, ये फॉर्मूला हुआ साइन ए प्लस बी का। देखो साइन वाले में अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा और माइनस है तो माइनस ही रहेगा। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है तो ए का मान है 60 और बी का मान है 30, यानी कि साइन ए प्लस बी का मान है तो 60 प्लस 30, साइन 60 प्लस 3 कितना होता है साइन 90, और साइन 90 का मान होता है भैया 1, इसीलिए इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर जो आ गया 1। हम लोग बिना लिखे कह सकते हैं कब, जब ये वाला फॉर्मूला याद होगा तब, ठीक है, इस चीज को, इसलिए इसको फॉर्मूले को याद रखो। दूसरा चीज देखो, साइन 73 कॉस 13 माइनस कॉस 13 साइन 13। तो देखो भाई यहाँ पर लिखा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला हो गया साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए माइनस बी का एक जगह पर कौन है 73, तो साइन 73 माइनस बी की जगह पर 13, 73 लेस देन 13 यू विल गेट साइन 16, और साइन 16 द वैल्यू ऑफ द साइन 16 इज दैट √3/2। यू विल कैलकुलेट योर आंसर इजीली, देन यू लर्न दिस प्रॉब्लम्स एंड फॉर्मूलाज। इन फॉर्मूलों को आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे कि इन सवालों पर ये वाले फॉर्मूले बहुत ही अच्छी तरीके से स्पीड होते हैं और आपके आंसर जल्दी से जल्दी लाते हैं। साइन 60 का भी मान हमें पता है, कॉस 30 का भी मान पता है, हम अपने फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। लेकिन इसकी सहायता से बहुत जल्दी आ गया, और लेकिन अब साइन 73 का तो वैल्यू आपको नहीं पता है ना, तो अब नहीं रख सकते, इसीलिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हम जान सकते हैं 73 में से 13 गया, 60 बचा, साइन 60 का मान होता है √3/2। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि कॉस ए कॉस बी, देखिए साइन 60 का मान काम कर रहा है ए का और 30 मान कर रहा है बी का, तो साइन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन है साइन बी, लेकिन यहाँ माइनस होता है, ये चीज ध्यान रखने बच्चों, भूल मत जाना, माइनस होता है तब प्लस आएगा। देखो यहाँ माइनस है तो किसका फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस बी का है, लेकिन जब प्लस है तो यहाँ किसका फॉर्मूला है, कॉस ए माइनस बी का, इसका मतलब ये फॉर्मूला किसका है, कॉस ए प्लस बी का। तो कॉस ए का मान कर रहा है 60, प्लस बी का काम कर रहा है 30, तो कॉस 60 प्लस 30 कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, ये सारणी हम आपको कल वाले लेक्चर में समझा चुके हैं। तो आइए ये वाला फॉर्मूला देखें, कॉस ये कॉस ए माइनस बी का है, तो कॉस 75 में से 15 गया 60, और कॉस 60 का वैल्यू हो गया 1/2, कॉस 60 का मान होता है 1/2। आपने इन चारों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सीखा होगा आई होप, किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो आप तो अब इजीली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मुझे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 सीख लेते हैं। क्या है 15 वाला एक फॉर्मूला है जो कि मैंने आपको कल सिखाया है, ये लिखा हुआ है sec square theta minus 1, कल हमने आपको रटाया था sec square theta minus 1 बराबर होता है भैया tan square theta, theta की जगह पर कुछ भी यूज हो सकता है, तो sec square theta नहीं यहाँ 60 है, तो तुम भी यहाँ theta नहीं 60 रख दो, तो tan square 60, यानी कि tan 60 का मान पड़ रहा हूं मैं, tan 60 का मान होता है √3, लेकिन उस पे तो लगा है वर्ग, तो √3 का वर्ग होता है 3, इसीलिए इसका 15 का जो आंसर होगा वो होगा 3। आई होप इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सीख पाए होंगे, आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा सेशन, अगर आपको अच्छा लगा हो तो यार लाइक करके जाना, और अपने सब्सक्राइब चैनल कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू, मिलते रहेंगे जल्दी से जल्दी, थैंक यू।